तो गाइस कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं जो कंटेंट लेकर के आया हूँ, एक छोटी सी वीडियो अपडेट वीडियो है गाइस बोर्नियो के ऊपर। तो गाइस चलिए मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि अपडेट क्या है। मैं ऐसे अपडेट लेकर के आता रहता हूँ गाइस, तो मैं यहाँ पे बोर्नियो को कर लेता हूँ फटाफट। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या अपडेट आया हुआ है, क्या अपडेट नहीं आया हुआ है गाइस। तो मैं हमेशा जो वीडियो बनाता रहता हूँ गाइस, छोटी छोटी वीडियोस जो आपको हेल्प करती है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए हम लॉग इन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट आया हुआ है। तो अभी जो भी रिसेंटली अपडेट आ रहा है, हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एमएमसी से रिलेटेड, यूएफआई से रिलेटेड, सारे अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे गाइस। तो फिलहाल अभी आपने 1-2 दिन पहले अपडेट नहीं किया होगा, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस अभी दिखाई देगा गाइस, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाने की आपको कोशिश अभी करूंगा। तो ये अभी जैसे ही ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद यहाँ पे एक अपडेट का एक नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन में दिखाई देगा। सिंपल आपको यहाँ पे कर देना है अपडेट, और मैं पहले बता दूंगा कि क्या क्या चीज अपडेट आया। तो ऑटो अपडेट देख सकते हैं यहाँ पे, अपडेट यहाँ पे 3D वर्ल्ड व्यू लैपटॉप यहाँ पे किया हुआ है, मतलब जो उनका वर्ल्ड व्यू है वो उन्होंने 3D बेसिस पे किया हुआ है। ये सारी चीजें हम देखेंगे कहाँ पे मिलती है कहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि मैं लाइव बताता हूँ गाइज। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ भी चीज पहले देख करके फिर आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्च कॉम्पोनेंट नेम इज बिटमैप, राइट क्लिक करेंगे मतलब माउस का, मतलब बिटमैप में किसी भी कॉम्पोनेंट को अगर राइट क्लिक करते हैं तो उन्हों पर सर्च कॉम्पोनेंट का नाम आ सकता है। तो चलिए ये भी हम देखेंगे। एड लिस्टेड योर बोर्ड यून बिटमैप लियोर, तो यहाँ पे देखते हैं गाइज ये भी कि इन्होंने लिस्टिंग क्या किया हुआ है विडमैप के ऊपर, ये भी हम देखेंगे। फिक्स बोर्नियो डाटा फेंडर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो डाटा का फेंडर है वो हमारा क्या इन्होंने फिक्स किया हुआ है। न्यू अपडेट स्पैम नोटिफिकेशन, मतलब कोई भी आपका नोटिफिकेशन अगर आता है तो यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे कर देते हैं अपडेट। आपको सिंपल और सिंपल कर देना है अपडेट। यहाँ पे अपडेट क्लिक करने के बाद गाइज ये अपडेट हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको दिखा देते हैं यहाँ पे सारी चीजें, ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो भी इन्होंने ऐड किया है, तो अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो गाइस फटाफट जाइए और वहां पे अपडेट कर लीजिए। हमेशा बोर्नियो हार्डवेयर सॉल्यूशन से रिलेटेड, वेब मैप से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे अपडेट ये बताते रहते हैं गाइस। तो फटाफट चलिए यहाँ पे इसको अपडेट कर दीजिए अभी, और अपडेट करने के बाद ये सारा कुछ यहाँ पे लाइव है, छोटा सा एक अपडेट है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे जा करके अपडेट हमेशा बने रह सकते हैं गाइस। तो ये अभी जस्ट ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद में हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि जो इन्होंने एडिट किया हुआ है, तो इन्होंने क्या क्या चीज एडिट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या चीज अपडेट हुआ हुआ है। तो चलिए फटाफट ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे खुल चुका है। तो इन्होंने जो एरर और बग्स को यहाँ पे किए हुए हैं, तो देख सकते हैं ओप्पो Realme 8 5G हार्डवेयर सोल्यूशन इन्होंने ऐड कर दिया गाइस। तो यहाँ पे भी आप डेली का अपडेट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डेली का अपडेट जो ये पे न्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अपडेट आप देख सकते हैं, सोमी को एडो फिक्स यहाँ पे कर दिया उन्होंने, विड मैप कर दिया है, एड लावा कर दिया है, लैपटॉप का स्कीमेटिक कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे कोई भी विड मैप खोल लेते हैं गाइज, हम कोई भी एक विड मैप हम खोल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा खोल लें, Redmi 10X 5G इसका देख लेते हैं, Redmi 10X 5G का, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे गाइज। तो बस जस्ट अ सेकेंड, अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद चेक कर लेंगे कि एक्चुअल में क्या चीज अपडेट है और क्या नहीं है। तो आप फटाफट जाइए और वहां से अपडेट करिए गाइज। तो चलिए अब इसको हम जूम करते हैं, इसको ओपन करते हैं। और ये जाहिर सी बात है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पे कौन से कंपोनेंट के नाम, तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट के नाम इन्होंने धीरे धीरे सुधार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसको राइट क्लिक करते हैं तो कंपोनेंट का फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने का ऑप्शन इन्होंने दिखा दिया है, Ctrl+S फाइंड टू स्क्रीन, ये देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे फाइंड करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं, ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो जो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ऐसे ही डेली अपडेट। तो यहाँ पे जो भी सारे अपडेट हैं आपको मैंने शुरू में बता दिया था, वो सारा कुछ आप इंटरफेस में जाइए और उसको देखिए कि क्या क्या चीज अपडेट है। बाकी औसम है गाइस। तो आप अगर आपने टूल नहीं लिया तो टूल आप ले सकते हैं, जिसमें आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये छोटा सा अपडेट वीडियो था। तो गाइस चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, किसी नेक्स्ट